सो हाय गाइस, बहुत टाइम से गेम में कुछ भी कॉल बैक इवेंट आया नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द गेम के अंदर एक ऐसा कॉल बैक इवेंट आने वाला है जिसको देखकर आप लोग का सर घूम जाएगा। आप लोग देख सकते हो इस कॉल बैक इवेंट के अंदर बिल्कुल फ्री में एक मैजिक क्यूब दिया गया है और साथ ही में आप लोग को लगभग 100 से 200 मैजिक क्यूब का फ्रेगमेंट देखने को मिलने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 30,000 डायमंड को दिया गया है इस कॉल बैक इवेंट को कम्प्लीट करने के बदले में। और गर्ना वालों ने ऑफिशियल तरीके से कंफर्म किया है कि इस कॉल बैक इवेंट को कम्प्लीट करने पर आप लोग को या तो बिल्कुल फ्री में मैजिक क्यूब और उसके फ्रेगमेंट या फिर 30,000 डायमंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये बिल्कुल 100% कंफर्म है। इसी के साथ में ईद उल अजहा स्पेशल एक न्यू कैलेंडर निकला है जिसके थीम पे कुछ फ्री का रिवॉर्ड्स अवेलेबल कराया जा रहा है। सो इंडिया एंड बीडी सर्वर के अंदर ईद उल अजहा स्पेशल क्या कुछ इवेंट आ सकते हैं, उनमें क्या कुछ हमको फ्री का रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, आज ये अपडेट भी कवर करूंगा। साथ ही में बात कर लेंगे इन गेम के अंदर आए हुए कुछ न्यू इवेंट के बारे में। स्टेट वॉर इवेंट शामिल है, गोल्डन शेयर बंडल स्पिन करने का भी तरीका शामिल है इसमें। साथ ही में मंथली एंड वीकली मेंबरशिप जितने सारे भाई लोगों का लगा हुआ था, मैं जानता हूं उन लोगों का डायमंड्स बहुत सारे काट लिया गया है, किसी को डायमंड नहीं मिला है, मतलब मिलने वाला था लेकिन काट लिया गया है, दिया नहीं गया है। तो इनका क्या तरीका है, कैसे आप लोग डायमंड को अपने आईडी में ले सकते हो, आज ये भी बताऊंगा। बाकी कुछ और भी कमाल के अपडेट्स आप लोगों को वीडियो के अंदर आगे जगह पता चलने वाला है, तो इसलिए बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने गोल्डन सेट बंडल के बारे में। जितने सारे भाई लोग ऐसे हो जो कि गोल्डन सेट बंडल में स्पिन किए हो या फिर करने वाले हो, आप सभी को मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो गोल्डन सेट बंडल अपने गेम के अंदर दिया गया है रिंग इवेंट के जरिए, जहां पर गाइस अगर आप लोग गोल्डन सेट के टॉप वाले बंडल को परचेस करना चाहते हो, उसका टोकन का जो प्राइस दिया गया है वो है लगभग 250 टोकन। एंड इस तरीके से अगर आप लोग सेकंड वाला बंडल लेना चाहोगे उसका प्राइस है 200 टोकन, और अगर गोल्डन सेट के थर्ड वाले बंडल को लेना चाहते हो उसका प्राइस दिया गया है 175 टोकन। देखा जाए ये टोकन का जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, और ये 250 टोकन जमा करने के लिए ऑलमोस्ट आप लोग को 2000 से ज्यादा डायमंड खर्च कर देना पड़ेगा इस वाले इवेंट के अंदर। एक बढ़िया बात है, जितने सारे भाई लोग इसके अंदर स्पिन करने वाले हो, अगर 1000 से लेकर 1200 तक डायमंड खर्च करते हो आप लोग को स्पिन करने पर एक दो बंडल तो मिल ही जाएंगे, और वो मेल फीमेल दोनों में कुछ भी हो सकता है, वो गर्ना को पर डिपेंड करता है कि गर्ना वाले आपको कौन सा बंडल देंगे। बस ये जान लो टॉप वाले गोल्डन सेट बंडल को लेने के लिए ऑलमोस्ट 2000 प्लस डायमंड लगने वाला है, और अगर सेकंड वाले को लेते हो 1500 प्लस डायमंड, एंड अगर थर्ड वाले को लेते हो 1000 डायमंड से लेकर 1200 डायमंड के बीच में आप लोग इन तीनों बंडल को बाई कर सकते हो। बाकी स्पिन करने पर आपको एक दो बंडल स्पिन पे ही मिल जाएंगे, सो ये भी एक बढ़िया बात है। खैर मुझे बस यही अपडेट देना था गोल्डन सेट के ऊपर, और कुछ खास अपडेट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक थोड़ा सा दुख वाली पॉइंट कवर करते हैं, यानी कि जितने सारे भाई लोग ऐसे हो जो कि मेंबरशिप लगा कर रखे थे और उनको अपना डायमंड जो था वो काट लिया गया है, लेकिन गुड न्यूज आपको देना मेरा काम है, तो गुड न्यूज ले लो। जितने सारे भाई लोग का डायमंड को काट लिया गया है उन सबके आईडी में डायमंड को रिटर्न दे दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने पैसे से डायमंड को खरीदे। और इसका एक सबसे बड़ा पॉइंट भी है, या फिर कहा जाए प्रूफ भी है, जो कि आपको वीडियो में एंड में दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग इतना चल लो जितने सारे भाई लोग का डायमंड को काटा गया है आप सबके आईडी में फिर से डायमंड को रिटर्न दिया जाएगा, जितने सारे भाई लोग का मेंबरशिप लगा हुआ था सिर्फ उन्हीं को। क्योंकि अगर हम पैसा ना लगाते तो अलग बात था कि यार रिवॉर्ड्स मिलने वाले थे वो नहीं मिला है, लेकिन जबकि आप लोगों ने पैसा लगाया हो, एंड यहाँ पर गलती किसी का नहीं है, गलती है गर्ना वालों का। गर्ना वालों ने अपने मेंबरशिप पर अपडेट लाया है जिस कारण से गाइस जो डायमंड आप लोगों को मिलने वाले थे अब वो डायमंड मिला नहीं है। अगर ये अपडेट ना आता तो भाई जितना डायमंड आप लोगों को मिलने वाले थे वो डायमंड आपको आराम से मिल जाते, सो भाई पूरा गलती गर्ना वालों का है। इसलिए आप में से किसी भी भाई लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सबको अपना डायमंड फिर से देखने को मिलने वाले है, या तो मेंबरशिप पर ही उसको क्लेम करने के लिए दे दिया जाएगा, या फिर डायरेक्टली आपके वॉल्ट में उसको क्लेम करने के लिए दे दिया जाएगा। अगर ये टॉप वाला होता तो भाई डायरेक्टली मिल जाता, लेकिन मेंबरशिप का है तो भाई डायरेक्टली मिल भी सकता है, या फिर आपको हर दिन जाके क्लेम ही करना पड़ेगा लॉग इन करके गेम को। बाकी इसका एक प्रूफ भी है मेरे पास, जो कि आपको मैं वीडियो में आगे जगह दूंगा। उसके पहले कुछ और अपडेट्स को कवर कर लेते हैं गाइस। यहाँ पर आपको मैं दो बंडल दिख रहा हूँ, एक मेल बंडल और एक फीमेल बंडल, इन दोनों के ऊपर एक छोटा सा अपडेट है। अपडेट गाइस ये है कि आप लोग को ये दोनों बंडल कुछ टाइम बाद जाकर अपने गेम के अंदर जो डेंसो सेक्शन है उन डेंसो सेक्शन के अंदर इन दोनों बंडल को ऐड किया जाएगा। बाकी बंडल का रिव्यू मेरे पास है, आज मुझे स्टेट वॉर फिर मेंबरशिप के ऊपर भी बात करना है और साथ में कुछ और भी अपडेट्स देना है, तो इसलिए मैं इन दोनों बंडल का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, रिव्यू थोड़ा सा लंबा है इसलिए, लेकिन कल परसों तक आपको मैं इन दोनों बंडल का रिव्यू करा दूंगा। बाकी फिलहाल यही अपडेट है कि ये दोनों बंडल आप लोग को आने वाले टाइम पे 150 सेक्शन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, और शायद एक रिंग इवेंट के अंदर आपको ये दोनों बंडल अपने गेम में नजर आने वाला है। फिलहाल बिना देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं अपने स्टेट वॉर इवेंट के बारे में, कैसे आप लोग को स्टेट वॉर इवेंट जल्दी से कंप्लीट करना है एंड आप लोग को ज्यादा पॉइंट आपको मिलेगा, और कैसे आप लोग अपने इवेंट के अंदर से फ्री रिवॉर्ड्स को क्लेम कर सकते हो। सबसे पहली चीज, जो स्टेट वॉर गेम के अंदर आया है उसमें आप लोग अपने स्टेट को चूज करके गेम प्ले कर सकते हो, यानी कि टूर्नामेंट में ज्वाइन कर सकते हो। बाकी टूर्नामेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, जैसे कि भाई अगर आप लोग यहाँ पर जाके अपने गेम के अंदर आप लोग को बेसिकली तीन चीज कंप्लीट करना है। पहला है सीएस रैंक बरमुंडा रैंक में बुया करना है, दूसरा एनिमी को किल करना पड़ेगा, एंड तीसरी बात आप लोग को बीआर रैंक में टॉप 3 पे आना पड़ेगा। ये तीन तरीके का आपको मिशन देखने को मिलने वाले है। अब बुया का मिशन अलग है, किलिंग का मिशन अलग है, एंड बीआर रैंक में टॉप 3 पे रहने का अलग मिशन है। उनके बदले रिवॉर्ड्स क्या कुछ मिलने वाले है, पहली बात जितने सारे स्टेट इस वाले इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले है उनमें जो स्टेट जीतेगा यानी कि विन होगा तो टॉप स्टेट को रिवॉर्ड्स के रूप में एक ब्लू कलर का टी शर्ट दिया जाएगा,
टॉप 5 स्टार को वेपन रॉयल का वाउचर दिया जाएगा एंड टॉप 10 को गाइस दिया जाने वाला है कुछ गोल्ड रॉयल का वाउचर एंड साथ में जो एक्समेंट का गन स्किन की रेट दिया जाएगा वो भी दिया जाएगा अदर्स। एंड बाकी जो रिवॉर्ड्स है गाइस वो है डीनो बंडल जो कि आप लोग को 30 दिन के लिए मिलने वाले हैं। डीनो बंडल एंड साथ में ब्लू टी शर्ट दोनों ही आप लोग को 30 दिन के लिए दिया जाएगा। सबसे पहले आप लोग को 30 पॉइंट जुगाड़ करना पड़ेगा। 30 पॉइंट होने के बाद ही अपना जो इवेंट है वो अनलॉक होगा। उसके लिए अगर आप लोग किसी भी एक एनिमी को किल करते हो आपको 1 पॉइंट देखने को मिलने वाले है। अगर आप लोग सीएस रैंक में बुइया करते हो आप लोग को 2 पॉइंट मिलेगा। बीयर रैंक में बुइया करने पर आप लोग को 6 पॉइंट मिलेगा और अगर आप लोग बीयर रैंक में मतलब कि कह सकते हो 3 पे आते हो टॉप 3 पे तो आप लोग को जो है 3 पॉइंट मिलने वाले है। इस तरीके से आप लोग पॉइंट को जमा कर सकते हो एंड 30 पॉइंट के बाद ही इवेंट अनलॉक हो जाएगा। ये है अपना स्टेट वॉर इवेंट जिसके ऊपर मैं पूरा कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर दे दिया हूँ। उम्मीद है आप लोग को पता चल गया है कैसे आपको इवेंट कंप्लीट करना है। रिवॉर्ड्स में 2 ही रिवॉर्ड दिया गया है, एक है ब्लू टी शर्ट दूसरा है डीनो बंडल। लेकिन चाहे कोई भी स्टेट जीते अभी आप लोग को रिवॉर्ड्स क्लेम करने के लिए नहीं दिया जाएगा। रिवॉर्ड्स को लेने के लिए आप लोग को वेट करना पड़ेगा। यह इवेंट चलने वाला है 29 जून तक एंड जो रिवॉर्ड्स क्लेम का डेट है वो रहेगा 30 जून से लेकर 6 जुलाई तक। पहले आप लोग को यह इवेंट जो है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। जो मेन रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं कह सकते हो जो रिवॉर्ड सबसे बेहतरीन रिवॉर्ड्स है वो आपको मिलने वाले हैं 30 जून से लेकर आप लोग को मिलने वाले 6 जुलाई के बीच में आप लोग क्लेम कर सकते हो। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेंबरशिप में ऐसा क्या प्रूफ है कि आप लोग को डायमंड अपने आईडी में फिर से बैक मिलने वाले हैं। आप लोग को याद होगा मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट के बारे में, उस टाइम पे क्या होता बहुत सारे प्लेयर ने बढ़िया बढ़िया आइटम्स को अपने आईडी से लेकर मेल्ट कर दिए थे गलती से, लेकिन ग्रेना वालों ने बाद में उन सारे आइटम्स को अपने आईडी में फिर से बैक करा दिया था। कुछ प्लेयर छूट गए थे लेकिन ऑलमोस्ट 80% प्लेयर को अपना आइटम्स वापस मिल गया था। और आप लोग जानते हो मेल्टिंग वॉल्ट इवेंट बिल्कुल फ्री का इवेंट था, उसमें डायमंड वगैरह का लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं था। तो भाई जब आप लोग को फ्री के रिवॉर्ड्स एक गलती की वजह से, और वो भी गलती मतलब हम लोगों ने गलती किए थे, गलती से हमने इवेंट को बिना पढ़े ही सारे आइटम्स को मेल्ट कर दिए थे। ग्रेना वालों को भी गलती था, ग्रेना वालों ने साफ सब कुछ हिंट्स दिया नहीं था इसलिए हमसे गलती हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हमको अपना रिवॉर्ड्स बैक मिल गया था। इसलिए आप लोग को ये जो मेंबरशिप वाला इवेंट है ये भी हम लोग गलती नहीं है, पूरा गलती ग्रेना का ही है। हमारे इसमें कुछ गलती नहीं है, ना कसूर है, कुछ नहीं भाई, सारा गलती ग्रेना का है जिस कारण से हमारा यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। तो डायमंड आप सबको मिलेगा ही मिलेगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा वेट करो। फिलहाल अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कॉल बैक इवेंट के बारे में और ईद उल अजहा स्पेशल क्या कुछ फ्री के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं उसके ऊपर। आपको यहाँ पर मैं एक कैलेंडर शो कर रहा हूँ, ये अदर सर्वर के अंदर दे दिया गया है, ऑलरेडी अदर सर्वर में इवेंट जो है स्टार्ट हो गया है, लेकिन इंडिया सर्वर के अंदर बहुत सारे इवेंट आने वाले हैं जिसलिए अभी तक ईद उल अजहा स्पेशल इंडिया सर्वर के अंदर क्या कुछ आएगा ये कन्फर्म नहीं है। जिसलिए गाइस अगर आगे चके ये कन्फर्म होता है कि हम लोग को अपने इंडिया एंड बीडी सर्वर के अंदर, वैसे बीडी सर्वर के अंदर तो ईद उल अजहा का इवेंट आएगा ही आएगा, उसके थीम पे कुछ लीक्स भी मिल चुका है। इंडिया के लिए अगर कन्फर्म होता है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं उसके ऊपर भी अपडेट दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं कॉल बैक इवेंट के ऊपर बात कर लेते हैं। आप लोग एक कॉल बैक इवेंट यहाँ पर देख सकते हो, इसको दरअसल दिया गया है अपने पाकिस्तान सर्वर के अंदर, लेकिन आप लोग को बहुत जल्द अपने गेम में एक न्यू कॉल बैक इवेंट देखने को मिलने वाले है। कारण यही है कि बहुत टाइम से गेम में कॉल बैक इवेंट आया नहीं है और चांसेस बहुत ज्यादा है कि इस बार कॉल बैक इवेंट के अंदर आप लोग को डायमंड तो दिया जाएगा ही और साथ में आप लोग को मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट्स भी मिलने वाले हैं। और सबसे मजेदार बात यह रहेगा कि कॉल बैक इवेंट के थ्रू जो क्रिएट आपको मिलने वाले हैं उस क्रिएट के अंदर सिर्फ 2 आइटम्स रहेंगे, यानी कि या तो मैजिक क्यूब मिल जाएगा या फिर डायमंड, दोनों में कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। एंड हो सकता है जो स्टेट वॉर इवेंट चल रहा है इसी के थीम पे आप लोग को आने वाले टाइम पे बहुत जल्द अपने गेम के अंदर एक कॉल बैक इवेंट देखने को मिल जाए। वैसे अगर आगे जाए कुछ डेट वगैरह कंफर्म होता है तो भी आपको मैं कंफर्म कर देने वाला हूँ, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा है कि काफी जल्द एक न्यू कॉल बैक इवेंट आने वाला है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। बाकी वीडियो आज का यहीं तक था, अगर आप लोगों ने ब्लॉग वीडियो अभी तक देखे नहीं हो लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है जाके देख लीजिएगा। मेरा वीडियो आज का यहीं तक था, अगर आपको बढ़िया लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ हर दिन की तरह कल शाम को और एक न्यू एंड फ्रेश वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।